क्या कह रहा हूँ, दोनों लड़का लड़की को एक बार ही भेज देते हैं, अकेले में आपस में बात बात कर लेंगे, एक दूसरे को अच्छे से देख भी लेंगे। हाँ हाँ सही बात है, दोनों के जो भी डाउट होंगे वो आपस में क्लियर भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप, और ये भी पता लग जाएगा दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं या नहीं। अजी तुम तो बिल्कुल एकदम बढ़िया बात कहती हो हैं। और क्या पंकज के पापा। एक काम करो, दोनों को अकेले में भेज देते हैं और जो भी होगा कर लेंगे हैं, कर लेंगे। बहुत सॉरी सॉरी बेटा, जाओ पंकज बेटा, जाओ जाओ जाओ, आपस में जो भी बातें हैं कर लो, डाउट वाउट क्लियर कर लो हैं। जाओ जाओ स्वीटी बेटा, अंदर लेके जाओ। आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है। और मेरा बेटा मुझ पर। सही कह रही हो। ओए देख, सुन ले कान खोलकर, मैं तुझसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली। ओए माँ। अरे ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? क्योंकि ऐसी ही हूँ मैं। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी, मुझे तुम मिल भी गई। ओ हेलो, क्या बकवास कर रहा है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अच्छा बॉयफ्रेंड है, कोई बात नहीं, हस्बैंड तो नहीं है ना, हस्बैंड तो आपके हम ही बनेंगे। तू पागल पागल है क्या, मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ। क्या प्रेग्नेंट? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ओ हेलो, तेरे को पता भी है मेरा एक बच्चा भी है, ये देख। क्या बच्चा? हमने रेडीमेड कपड़े तो सुने थे, लेकिन रेडीमेड बच्चा भी होता है, पक्का पकाया माल। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें हमारे घर में पहले से ही खुशहाली मिलेगी, रौनक बनी रहेगी, बाय वन गेट वन फ्री हो गया। अरे हमारी तो किस्मत ही चमक गई, सोने पे सुहागा हो गया। धन्यवाद जी। तू पागल है क्या थोड़ा सा, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। देखिए जो भी हो, हम तो आपसे ही शादी करेंगे। देख तू तो शक्ल से भी गरीब लग रहा है, और वैसे भी मैंने तो पहले ही सोच रखा है मैं दहेज दूंगी नहीं लूंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, हम भी दहेज लेंगे नहीं दहेज देंगे, अब तो आप खुश है ना। अरे इतना क्या डेस्परेट हो रहा है, आज तक कोई लड़की नहीं मिली क्या तुझे? अरे नहीं मिली लड़की, अरे बचपन से हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वो भी बॉयज वाले में, अरे वहाँ तो लड़कियाँ दूर दूर तक नहीं देखने को मिलती थी, और जैसे हमारे घर वालों ने हमें आपकी तस्वीर दिखाई ना, हमने तभी सोच लिया कुछ भी हो जाए हम इसी लड़की से ब्याह करेंगे। नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। अरे हमें करनी है आपसे शादी। नहीं करूंगी शादी। अरे करेंगे हम आपसे। मैं नहीं करूंगी। अरे हम आपसे ही करेंगे। मैं नहीं करूंगी। हम आपसे ही करेंगे। हेलो पति देव जी। अरे बेबी अभी से पति, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। नहीं हुई तो क्या हो गया, लेकिन 3 दिन बाद तो हो ही जाएगी ना। हाँ बेबी ये तो है। अच्छा सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि मेरी जो फ्रेंड है ना, उसने अपनी शादी में 50 लाख का लहंगा पहना था। अच्छा, अरे बेबी इन पैसे वालों के भी ना अलग ही चोचले हैं। चुप रहो तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे भी 50 लाख वाला लहंगा चाहिए, और वो भी मनीष मल्हान का, और वो दिलाओगे तुम। क्या 50 लाख? अरे बेबी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया क्या, तो चलो 30-35 में काम चला लेंगे। ज्यादा तो ये भी है यार। अच्छा ठीक है, लास्ट तुम्हारी ना मेरी 30 लाख, मैं बस इसी से काम चला लूंगी। ठीक है बेबी, करता हूँ कुछ जुगाड़ 30 लाख तक का। अरे स्वीटी ये देख ज्वेलरी, और फटाफट से इसमें से पसंद कर ले। बेबी मैं रखती हूँ, मम्मी आई है, और 30 लाख याद रखना। ठीक है। अरे मम्मी ये सब क्या लगा रखा है, ये ले ले वो ले ले, क्या है ये सब? अरे बेटा ज्वेलरी है, जल्दी से इसमें से पसंद कर ले, तुझे जो जो शादी में पहननी है। मम्मी मुझे एक डायमंड की रिंग चाहिए जिसमें कम से कम 100 डायमंड हो। 100 डायमंड वाली? अरे तुझे पता भी है वो कम से कम 15 लाख रुपए की आएगी। तो क्या हुआ, मेरे पापा मेरे लिए 15 लाख की रिंग नहीं खरीद सकते? और हाँ मम्मी, मेरे को सारी ज्वेलरी, मेरा नेकलेस, सब कुछ डायमंड का ही चाहिए, वरना मैं मंडप में नहीं बैठूंगी। अरे वाह स्वीटी, तू तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और नहीं तो क्या, लगूंगी ही, इतना पैसा जो खर्च कर रहा है लहंगे और ज्वेलरी पर। और स्वीटी ये वही लहंगा है ना जो तूने मनीष मल्हाल से मंगाया था? हाँ हाँ तूने सही पहचाना। अच्छा कितने का पड़ा ये लहंगा? ज्यादा नहीं, बस 35 लाख का। और ये ज्वेलरी, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। और क्या, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था अगर मैं शादी करूंगी तो हर चीज मुझे ओरिजिनल और एक्सपेंसिव चाहिए। अरे कहाँ गए भाई साहब, अरे पैसे दे दो यार। अरे 5, 6, 7, 8, अरे 9 बज गए, पैसे नहीं दे रहे हो। अरे क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? अरे मैडम जी आपकी शादी है ना। हाँ लाओ पैसे निकालो, जल्दी निकालो पैसे। किस चीज के पैसे? अरे ये जो आपने लहंगा पहन रखा है, ये जो ज्वेलरी पहन रखी है, इस चीज के पैसे, ये सब किराए पे आया हमारी दुकान से, टिल्लू भैया की दुकान से। हैं? अरे तुम्हारे पापा ने बोला 5 बजे दे देंगे, तुम्हारे पति ने बोला 6 बजे दे देंगे, अरे फिर किसी ने बोला 7 बजे दे देंगे, 8 बजे दे देंगे, अरे 9 बजे कब दोगे पैसे? दो पैसे। किराए की ज्वेलरी, किराए का लहंगा, बड़ा बोल रही थी। मनीष मलहाल से मंगाया है, सब किराए का पहन रखा है। अरे 500 रुपए की ज्वेलरी थी किराए की, और 500 रुपए का ये घघरा था किराए का, लेकिन डिस्काउंट दिया 360 रुपए में डन करा। अरे 360 रुपए भी नहीं दे रहे, अरे सिक्योरिटी भी नहीं जमा कराई। अरे बताओ कैसे बात बनेगी? अरे मैडम इधर आओ, बताओ कैसे बात बनेगी? 360 रुपए, अरे चिंदी लो क्या? अरे क्या नहीं, बुलाओ अपने मम्मी पापा को, अपने पति को, और कोई नहीं आ रहा तो एक काम करो, चलो तुम मेरे साथ शादी कर लो, किराया देने की जरूरत नहीं। अरे चलो, अरे चलो। अरे भाई साहब हमें भी ले चलो, हम भी बराती हैं। बेबी जल्दी से माला पहन लो, फिर हमारी शादी हो जाएगी, पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। रुको पंकज, मेरा जी घबरा रहा है बहुत ज्यादा। ओए माँ। वो बेबी शादी में ऐसा हो जाता है, तुम आओ माला पहनो। नहीं नहीं ये पकड़ो, मैं अभी आई। अरे बेबी सुनो तो। अरे अंकल जी वो है क्या? अब वो क्या बेटा? अरे अंकल सिस्टम सिस्टम। बेटा वो तो डीजे वाले पे मिलेगा। अरे अंकल जी दारू। दारू? अबे बुड्ढा तो ऐसे लुढ़क गया जैसे कि मैंने इससे प्रॉपर्टी के कागजात मांग ली हो। भगवान अब किसी और को ढूंढती हूँ। अरे आंटी जी दारू है क्या? हाँ बेटा है, पार्किंग में है, मैं भी अभी वहीं से पी के आ रही हूँ। ठीक है मैं अभी जाके आती हूँ। अरे रुक रुक मैं भी थोड़ी सी और ले लूंगी, वो क्या है ना मुझे थोड़ी सी कम पड़ गई थी। चल साथ में। चलो आंटी साथ में चलते हैं। थोड़ी सी दारू मुझे भी पिला दो। अरे अंकल जी आप, अभी मैंने आपसे दारू मांगी थी तब तो आप लुढ़क गए थे, और आप दारू मांग रहे हो? आपको तो मैं लुढ़काती हूँ असली में। रुको। ये मुद्दा तो गया। आज मेरी शादी है। हाँ? आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी है। ओए होए मेरी शादी है। ए सोनिया खाना तो मुझे धेले का ना लगा इनका, बिल्कुल बेकार खाना, तेल ही तेल। मैंने तो बस 2 भटूरे खाए, पाव भाजी खाई और 4 नान खाए, और चौमिन थोड़ी ठीक लगी तो 1 चम्मच चौमिन खा ली थी, और मैं और क्या बताऊँ, मैंने डोसा वोसा ही खाया, मैंने ज्यादा ना खाया इनके बिहार में। बस इतना सही खाया तूने? ए थोड़ा सा तो और खा लेती, घर जाके खाना बनाएगी क्या? ए सोनिया तू खाने में लग रही है, इसे देख शर्मा की लड़की है ना ये। अरे भैया कैसे कपड़े पहन के घूम रही है यार, इसे शर्म ना आ रही? पता ना कैसे घूम रही है, देखियो वो दिखाई दे रही है इसकी, वो का बोले उसे? बद्दी बद्दी बद्दी। हाँ बद्दी कमर दिख रही होता है ऐसे, कहीं शर्म नाम की चीज ना है। पता ना काका करके आती है लड़कियां शादी में, सोचती ना है हमारे बड़े बुरे भी घर में। इसे छोड़ उसे देख, ये किसकी लड़की है, प्रिया है क्या? अरे हाँ जा तो प्रिया है। प्रिया को देख कैसे नाच रही है, राम ऐसी साड़ी पहन के, ऐसी साड़ी कोई पहना है क्या इस उम्र में, ऐसी साड़ी पहनी जावे? ये तो लग रही 50-50 रुपए में सेल में से लाई है। ये सेल भी देखी जा, लेकिन नंगपना मचा रखा, कपड़े देखना तो ये। हाँ देखियो हमारे यहाँ तो कोई हाथ ना लगा इस कपड़े को। इसे देख ये तो शादी में सबने नंगपना मचा रखा, ये कैसे कपड़े पहन के डोल रही है? ये हमारे घर में ना पहने जा ऐसे कपड़े शरीर दिखते हुए। ऐसे कपड़े पहन ले ना तो पिंटू के पापा घर तली काट दे हमें, और घर में भी ना बाड़े तलाक और दे देंगे। चल सोनिया ऐसी शादी में क्या फायदा, जहाँ बेशर्मी की हद मचा रखी हो, बिल्कुल नंगे नंगे घूम रहे हैं, हम कम से कम बढ़िया कपड़े तो पहन के आए हैं, साड़ी वाड़ी। हाँ और क्या, देख हमारे कपड़े तो बिल्कुल सही है भैया। चल 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 यहाँ से, चल 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 सोनिया चल। ये देख स्वीटी इस लड़के की पूरी 1 लाख रुपए सैलरी है। अरे मम्मी सैलरी कम ज्यादा भी चलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो लड़कियों को वैल्यू दे, उनको थोड़ी फ्रीडम दे, घर के काम ना करवाए, ना झाड़ू पोछा ना बर्तन ना साफ सफाई, बल्कि एक 5,000 की मेड रख ले, कम से कम घर की बहू तो खुश रहेगी और फ्री रहेगी। इससे अच्छा तो मैं नौकरी कर लूंगी, कहीं 50,000 रुपए तो ऐसे कमा लूंगी। हाँ हाँ बेटा ऐसा ही लड़का देखा है तेरे लिए।
अच्छा सुनो, मैं शादी के बाद बर्तन नहीं मांजूंगी, मुझे बर्तन मांजने का कोई शौक नहीं है। अरे बेबी कोई बात नहीं, बर्तन मैं भी नहीं मांजता। आप तो बहुत फनी हो। और हाँ, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, तो मैं वो भी नहीं बनाऊंगी। अरे हाँ बेबी कोई बात नहीं, उसके लिए हम नौकरानी रख लेंगे। और घर की साफ सफाई? अरे बेबी उसके लिए भी नौकरानी रख लेंगे। और हाँ, मैं किसी की गाड़ी भी नहीं साफ करूंगी। अरे हाँ बेबी कोई बात नहीं, अरे तुमसे कौन करवा रहा है किसी की गाड़ी साफ। बेबी तुमने तो कहा था मुझसे बर्तन नहीं मंजवाओगे। हाँ तो बेबी बर्तन मंजवा थोड़ी रहा हूँ, इसको तो बर्तन धोना कहते हैं, मांजना तो कुछ और होता होगा ना, ये धोना है। धो दो सारे बर्तन, धो ये प्लेट भी धो देना। अरे लेकिन चलो बेबी जल्दी से गाड़ी धो दो। बेबी तुमने तो कहा था मुझसे गाड़ी नहीं साफ करवाओगे। हाँ तो बेबी साफ थोड़ी करवा रहा हूँ, मैं तो गाड़ी धुलवा रहा हूँ ना, और वैसे भी मैंने दूसरों की गाड़ी साफ करने से मना करा था, ये तो अपनी गाड़ी है ना, अपनी गाड़ी तो साफ करनी पड़ेगी। चलो चलो साफ भी छोड़ो, तुम गाड़ी धो दो। तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया है। अरे नहीं नहीं बेबी तुम गलत समझ रही हो, ये नौकरानी नहीं है, ये तो तुम बहुरानी हो, महारानी हो, सारी रानी हो, नौकरानी नहीं हो, मेनली तो बहुरानी हो। चलो चलो जल्दी करो गाड़ी धो दो चलो। अरे लेकिन हे गाइस, तो कमेंट करके सबसे पहले ये बताना कि आपकी शादी हो गई है या इस सीजन में होने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनकी शादी होने वाली है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना संझालिका ब्लॉग। बाय।